पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की धरपकड़ ने लेने समाचार आ रहा है। पाकिस्तान रेजिनर्स से धरपकड़ करी है, भ्रष्टाचार ना केस में धरपकड़ कराई है। इस्लामाबाद कोर्ट की बहार थी धरपकड़ करवामां आवी होवाना समाचार सामे आवी रहा है। तो महत्वना समाचार आ रहा है, पाकिस्तान ना पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की धरपकड़ कराई है। पाकिस्तान रेजर्स करी है धरपकड़, भ्रष्टाचार ना केस में इमरान खान की धरपकड़ कराई है। इस्लामाबाद कोर्ट की बहार थी धरपकड़ कराई होवाना समाचार सामे आवी रहा है। पाकिस्तान ना पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की धरपकड़ ने लेने सौथी मोटा समाचार सामे आवी रहा है। पाकिस्तान रेंजर्स से धरपकड़ करी छे, भ्रष्टाचार ना केस में धरपकड़ करवामां आवी छे। इस्लामाबाद कोर्ट की बहार थी धरपकड़ कराई होवाना हाल समाचार सामे आवी रहा छे। पाकिस्तान ना पूर्व पीएम इमरान खान की धरपकड़ ने लेने मोटा समाचार सामे आवी रहा छे। इस्लामाबाद कोर्ट की बहार थी धरपकड़ करवामां आवी होवाना समाचार सामे आवी रहा छे। भ्रष्टाचार ना केस में धरपकड़ करवामां आवी होवाना समाचार छे। पाकिस्तान ना पूर्व पीएम इमरान खान की धरपकड़ ने लेने आ मोटा समाचार सामे आवी रहा छे। इस्लामाबाद कोर्ट की बहार थी तेओनी धरपकड़ करवामां आवी होवाना समाचार छे। तो इमरान खान को भी जो है वो अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो वो निकल भी आएंगे, जैसे बाकी के लीडर बाहर आ जाते हैं। कोई खास बात नहीं है, पॉलिटिक्स में ही चलता रहता है। अर्जू, आपसे बात करने से पहले मैं दर्शकों के सामने इस बात का जिक्र भी कर रही थी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हो या दिग्गज नेता हो, वहां के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, राजनीति में वहां के ऐसा होता रहा है। लेकिन मुझे वो बाजवा प्रकरण को एक बार फिर से अपने दर्शकों के सामने रखना है, जब सत्ता पे तलवार लटकी थी और उस दौरान इस तरीके की बातें बाजवा की है। लगातार बातें करना, मैं आरजू से बात करूंगी लेकिन तस्वीरों पे फोकस करेंगे। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है कि वहां हालात क्या बने हुए हैं, यानी एक तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी और समर्थकों का हुजूम, सड़कों पर सुरक्षा कर्मी, इसके अलावा पुलिस। अब यहां चुनौती यह है कि हो हंगामा ना हो, प्रदर्शन ना हो, इस बात को लेकर इतने सुरक्षा कर्मी वहां की सड़कों पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। पाक रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया है और इस बीच पीटीआई जो उनकी पार्टी है, उनके पार्टी के लोग इसे पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए काला दिन बता रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इमरान खान के वकील उनकी तस्वीर पीटीआई के द्वारा ट्वीट की गई है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई है कि काफी चोटें उनको आई हैं और इस तरीके से धक्का मुक्की कोर्ट परिसर में होती है क्योंकि वो पेशी के लिए जा रहे थे जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया जाता है। हाल के समय में अगर हम इमरान खान को देखें, उनके बयानों को देखें कि सेना के खिलाफ उनका बयान सामने आता है और सेना भी नाराज चल रही थी इमरान खान से, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले थे इमरान खान पर, गिरफ्तारी की तलवार काफी पहले से लटक रही थी और हमने देखा कि समय समय पर पीटीआई के कार्यकर्ता, उनके समर्थक नेता उनके घर के बाहर मौजूद रहते हैं। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, छोटा सा ये क्लिप है जिसमें उनके वकील ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है और पाक रेंजर्स ने अब से कुछ देर पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला ये भ्रष्टाचार का है, फॉरेन फंडिंग का ये मामला है जिसको लेकर के इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। वहां के सियासत की ये स्याह सच्चाई है कि चाहे आप सियासत में शीर्ष पे पहुंचे हुए हो लेकिन आपका हश्र वही होना है जो इमरान खान का हो रहा है। कहने भर को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हो लेकिन जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी होती है वो पाकिस्तान की ही कहानी दोहराती है। मैं सीधे अपने सहयोगी नीरज का एक बार फिर से रुख करूंगी। नीरज, कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि जिस दिन बाजवा प्रकरण सामने आया था, जिस दिन वो अमेरिका जैसे देश को लेकर खुलकर रहे थे, आंतरिक मसलों को लेकर खुलकर बोल रहे थे, जो पब्लिकली पाकिस्तान भी और वहां की सेना जिसका इनडायरेक्टली वहां के सत्ता पे हस्तक्षेप रहता है, उनका नहीं मानना था कि ये सारी बातें पब्लिकली आए, वो इमरान खान ने किया था। क्या उसी बात की सजा आज? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए गए थे और वहां रेंजर्स की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और आर्मी की तरफ से भी उन्हें। और इस नीरज में आपको रोकूंगी, इस वक्त उमर अल्ताफ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। उमर जी, अब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, पाक रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया है, आगे कितनी राह आसान होने वाली है, कितनी मुश्किल है इमरान खान के लिए क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, इमरान खान के लिए मुश्किलात में अब इजाफा हो जाएगा क्योंकि कल उनका जो बयान आईएसबीआर ने, पाकिस्तान मिलिट्री ने जारी किया कि इमरान खान मिलिट्री ऑफिसर, एक मिलिट्री ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर कातिलाना हमले का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। तो उसके बाद ये बात काफी चांसेस थे कि अब इमरान खान के लिए मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है क्योंकि इमरान खान बगैर किसी सबूत के
पाकिस्तान आर्मी के हाफिज सर्विस ऑफिसर्स पर इल्जाम लगा रहे थे, तो उस वजह से अब इमरान तो उमर जी इसको ऐसे समझा जाए कि जो उन्होंने कल बयान दिया अफसर को लेकर के सेना के खिलाफ ये बयान गया, इसी वजह से आज उनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसे समझे इसको? देखिए केसेस तो इमरान खान पे बेशुमार है, टेररिज्म के भी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, उन पे करप्शन के केसेस भी हैं, तो मगर पाकिस्तान में आपको पता है जिस तरह इमरान खान ने राजनीति की है पिछले एक साल में, वो पाकिस्तान की सेना को मुसलसल टारगेट कर रहे थे और उनके पास कोई इसके कोई सबूत भी नहीं थे। जब से उनकी हुकूमत खत्म हुई है कभी वो अमरीका को जिम्मेदार करार देते थे, कभी फिर पाक फौज, कभी जनरल जो सादिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा उनको मोर्दे इल्जाम ठहराते थे, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी फौज के जो डीजीआईएसआई पे भी इल्जाम लगाए, उसके बाद उन्होंने डीजी काउंटर इंटेलिजेंस जनरल फैसल नजीर उन पे भी इल्जाम लगाए। तो इमरान खान ने अपनी किश्तियां तो जला दी। जिन जिन बाकियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो दर्शकों तक हम पहुंचा भी रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप वहां की सेना को इग्नोर करके नहीं चल सकते, आपको समानांतर चलना है। उनके डिसीजन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि वहां ये कहा जाता है कि इंडायरेक्टली सेना ही सरकार चलाती है। अब जब ये गिरफ्तारी हो चुकी है, मैं जरा पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे समझना चाहती हूँ कि पब्लिक इसको किस तरीके से देख रही होगी। देखें ये अभी बिल्कुल ही कुछ मिनट हुए हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हुए और अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको गिरफ्तारी के दौरान उनको मैन हैंडल किया गया है। इमरान खान के साथ मेरा ख्याल से कुछ उन्होंने शक किए हैं तो उनको मैन हैंडल किया गया है। अब ये पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनके नेता हैं, ये इमरान खान की जो सियासी जमात है उनके नेता ये दावा कर रहे हैं और अगर इस बात में कोई सच्चाई हुई तो एक पब्लिक का रिएक्शन आ सकता है और इमरान खान इसमें पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैं। तो मेरा ख्याल से आने वाले कुछ मिनटों में और या घंटों में एक रिएक्शन आएगा पब्लिक में। आप पीटीआई देखे उमर जी, मैं आपके पास आऊंगी। सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मेर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है यानी पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी किस तरीके। बिल्कुल, तो शैलेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से अभी इमरान खान की धरपकड़ की जा चुकी है, सबसे बड़ी अपडेट अभी जो आ रही है, क्या क्या अभी वहां पे स्थिति देखने को मिल रही है? और देखिए ये गिरफ्तारी इमरान खान की हुई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में, जहां वो आज पेशी के लिए जा रहे थे, उनके बायोमेट्रिक्स वहां पर आज होने थे लेकिन वहां पर पहले से ही रेंजर्स मौजूद थे और वहां पर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पीटीआई के तरफ से जो उनकी पार्टी है उनकी तरफ से इस बारे में जानकारी भी दी जा रही है और फवाद चौधरी हैं जो पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि जो रेंजर्स पाकिस्तान रेंजर्स हैं उन्होंने कोर्ट प्रेमिसेस पर अटैक किया और जिसके बाद इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है मिलिट्री अथॉरिटीज की तरफ से। ये बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान में क्योंकि हमने देखा इससे पहले दो बार दमा पाक जो इमरान खान का घर है वहां पर कोशिश की गई थी इमरान खान के अरेस्ट के लिए लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया था, लेकिन आज जब इमरान खान इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचे थे वहां पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। आपको ये भी अपडेट कर दें कि पिछले दो दिनों से जो है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच में ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई थी, शहबाज शरीफ ने ये साफ कर दिया था कि जो कंट्री की जो देश की आर्मी है या इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके खिलाफ टिप्पणी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि इमरान खान ने अपने कुछ दिन पहले ऐसे कमेंट्स किए थे इंटेलिजेंस और आर्मी चीफ को लेकर, जिसके बाद हमने देखा कि इमरान खान की तरफ से भी जवाब दिया गया। लेकिन अब फिलहाल जो अब बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे हैं और इमरान खान को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया, उनको ले जाया गया है और कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो इल्जाम उन पर लगा है बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जो रीते समाचार अभी राज इस्लामाबाद कोर्ट ने बाहर थी धरपकड़ करवा इमरान खान ने। फोन लाइन पर दिलीप गोहिल पण हमारे साथे जुड़ाई चुके आज छे। दिलीप जी स्वागत छे न्यूज़ एटिंग गुजराती मा। जी दिलीप जी, पहला तो आज धरपकड़ करवामां आवी छे, जे रीतना छेला घणा दिवस सुधी शाब्दिक वॉर ट्विटर पर वॉर चाली रह्यो हतो, त्यानी सैन्य पर जे रीते इमरान खान वारंवार शाब्दिक प्रहारो करी रह्या हता, क्यांक ने क्यांक मानवामां आवी रह्यु हतु के प्रिडिक्टेड हतु के आ तेनी धरपकड़ गमे त्यारे थई शके छे। હા, અને ખાસી મોડી થઈ છે એવું આપણે કહી શકીએ, મહિનાઓ થઈ ગયા એમ કેવું હોય તો પણ કહી શકાય, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ એમને સત્તા પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા, એ આખ ઓપરેશન ચાલ્યું, એમને બહુમતી સાબિત કરવા માટેની ચેલેન્જ આપવામાં આવી અને એમને
सत्ता छोड़वानी फरज पाड़वामां आवी। पाकिस्तानमां एवुं बनतुं होय छे के एकवार तमने सत्ता छोड़वानी फरज पाड़वामां आवे अने ए वखते ए सत्ता छोड़ाववा पाछळ जो सेनानो हाथ होय तो मोटे भागे एक वार सत्तामांथी दूर थाय वडाप्रधान ए पछी धरपकड़ करी लेवामां आवती होय छे अने पछी स्थिति बहु मुश्किल थती होय छे। छेल्लो किस्सो मुशर्रफनो छे, मुशर्रफने पण सत्तामांथी दूर करवामां आव्या परंतु एमने एक तक आપવામાં આવી હતી। એ લોકો દેશ છોડીને જતા રહ્યા હતા, સાઉદી અરેબિયા અને ગલ્ફના દેશોમાં જઈને રહેતા હતા। એવું માનવામાં આવે છે કે એ વખતે સાઉદી અરેબિયાના શેખ અને બાકીના કેટલાક વૈશ્વિક નેતાઓના ઇન્ટરવેન્શન સાથે મુશર્રફને દેશની બહાર જવા માટેની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી। વચ્ચે ભુટ્ટોની પણ સ્થિતિ એવી હતી કે એમણે પણ વિદેશ જઈને નવાઝ શરીફને પણ પાકિસ્તાનથી બહાર જઈને વિદેશમાં રહેવું પડ્યું હતું। એમને તબિયત બી ખરાબ હતી અને એને માટે પણ એને બહાર જવાનું હતું। કહેવાનો ભાવ છે કે એકવાર પાકિસ્તાની સેના, જેને આપણે એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કહીએ છીએ અને જે સ્થાપિત છે અને સત્તા પાછળનું અસલ જેની તાકાત છે સેનાની છે, એની સાથે જે નેતાને ન ફાવે એ નેતા માટે પછી પાકિસ્તાનમાં રહેવું બહુ મુશ્કેલ હોય છે। એટલે ઇમરાન ખાનને હટાવવામાં આવ્યા, સત્તા પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા, એની જગ્યાએ નવી સરકાર આવી, નવી સરકાર બની પણ ગઈ અને ખાસા ઘણા મહિનાઓ થઈ ગયા અને છતાં ધરપકડ નહોતી થઈ, એટલે થોડી દવાઈ પણ લાગતી હતી। એ દરમિયાન ઇમરાન ખાને પોતાની મુવમેન્ટ ચાલુ રાખી હતી, એમણે વિરોધ કરવાનું શરૂ રાખ્યું હતું, પોતે ફરીથી જીતીને આવશે અને સત્તામાં બેસે એ માટે એ વાતો પણ કરી રહ્યા હતા અને ચૂંટણી આવે તો પોતે ફરીથી લડે અને ફરીથી સત્તા પર આવશે એ પ્રકારની વાતો કરી રહ્યા હતા। એટલે હવે છેક ધરપકડ થઈ છે અને અત્યારે જે સમાચારો આવે છે એ પ્રમાણે એમની સામે જે કરપ્શનનો કેસ છે એ કેસમાં એમણે હાઈકોર્ટમાં જઈને એમણે રજૂઆત કરવાની હતી અને એટલા માટે જઈને એ ફરિયાદ દૂર કરવા માટે અથવા તો એમના જામીન માટે કે પ્રકારની કાર્યવાહી માટે જયારે જતા હતા ત્યારે આખરે હવે બેલ માટે એ જવાના હતા જેથી એની ધરપકડ ન થાય। પણ હવે ધરપકડ થઈ ચૂકી છે, મતલબ કે કોર્ટમાં જાય, કોર્ટમાં એની સુનાવણી થાય એ પહેલા જ ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે। એટલે હવે આગળ કેવી રીતે આખી વસ્તુ આકાર લે છે એ જોવાનું રહે છે, એના ટેકેદારો છે એ કેટલા પાવરફુલ છે, એ રસ્તા પર ઉતરે છે, શેરીમાં ઉતરી પડે છે, કેવી રીતે થાય છે એ જોવાનું રહેશે। પણ આમ આપણે નવાઈ ન લાગવી જોઈએ, ખાસું મોડું થયું છે એમની ધરપકડ કરવામાં, એટલે કદાચ એવું બની શકે કે ભૂતકાળમાં થયું છે પ્રમાણે કે એકવાર ધરપકડ કર્યા પછી આ પ્રકારના નેતા માટે બચવું બહુ મુશ્કેલ હોય છે। પણ કદાચ પાકિસ્તાનમાં પણ સ્થિતિ પલટાઈ હશે અને કદાચ જેલમાં રાખે અને ધીમે શમતી જાય, એનો જે પક્ષ છે તહેરીકે પાકિસ્તાન એ નબળો પડતો જાય અને કદાચ ચૂંટણી યોજાય તો પણ એમનો પક્ષ જીતે નહીં એ પણ એક સ્ટ્રેટેજી હોઈ શકે। ભૂતકાળમાં આ પ્રકારની સ્ટ્રેટેજી હતી, ભૂતકાળમાં એકવાર જે નેતા નજરમાંથી ઉતરી જાય એને એલિમિનેટેડ કરી દેવામાં આવતા હતા, કદાચ એટલો ફરક છે એવું આપણે જોઈ શકીએ। પણ કહી ન શકાય, પાકિસ્તાન વિશે આપણે કંઈ પણ કહી ન શકીએ, એટલે રાહ જોવાની રહેશે। આટલા સમય એમને છૂટા રહેવા દેવામાં આવ્યા એ પણ બહુ મોટી વાત છે, એ કદાચ શક્યતા એવી પણ હતી કે એમને છૂટા રહેવા દેવામાં આવે, દરમિયાન એ પોતે જ જો વિદેશ જતા રહે તો જે આંતરિક મુશ્કેલી છે એમાં સરકાર નવી સરકારે કોઈ પગલાં ન લેવા પડે અને બાકીના લોકોએ પગલાં ન લેવા પડે એ પ્રકારની પણ એક વાત હતી। પણ એ વિદેશ બી ન ગયા, અહીં રહીને વિરોધ બી કરતા રહ્યા અને હવે જામીન લેવા માટે કોર્ટમાં ગયા હતા, જામીન મળે એ માટે પહેલા જ એમને પકડી લેવામાં આવ્યા છે। બિલકુલ દિલીપજી, આભાર જોડાવા બદલ। જે રીતના આ સમાચાર અને અપડેટ આવી રહ્યા છે, પાકિસ્તાનના રેન્જર્સની ધરપકડ કરી છે ઇમરાન ખાનની અને હાલ ત્યાંની પરિસ્થિતિને જે રીતે જોવામાં આવી રહી છે, ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં હાલ તો ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાની અપડેટ સૌથી મોટી અત્યારે હાલ સામે આવી રહી છે।